गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू ऑल ऑफ यू. सारे मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, एंड मॉर्निंग से थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मॉर्निंग से आज मैं नहीं कर पाई. एंड कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत सारा काम था और कुरन खानी था और भी बहुत चीज़ें थी घर पे, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी. तो मॉर्निंग से मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी और मेरा थोड़ा फिजिकली थोड़ा अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा था. तो फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करूंगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ब्लॉगिंग वीडियोस हमेशा शेयर करती हूँ. एंड आज इवनिंग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी. तो आज थोड़ा रेस्ट की हूँ. और कभी कभी ऐसा मौसम भी होता है ना जिसमें लगता है कि कुछ ना ही किया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दिया जाए. तो आज का मौसम बिल्कुल वैसे ही था, मुझे बस लग रहा था मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं. और अभी भी मेरी जो आईज है ना पफी है, थोड़ा पफीनेस है. मुझे लग रहा था मैं दिन में भी सो जाऊं थोड़ी देर, बट क्योंकि फोन कॉल्स आना और अर्ज के टीचर आ गए, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. मैं बहुत टाइम ऐसा सोचती हूँ कि साइलेंट करके हटा दूं, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स है जिसका मैं वेट कर रही हूँ. कुछ पार्सल्स हैं या फिर मेरे यूट्यूब से कुछ आने वाला है, तो उस वजह से ना मैं क्या करती हूँ ना, मेरा माइंड ही मतलब लगा रहता है दिमाग की कहीं आ गया और मैं रिसीव नहीं की तो मैं मिस कर जाऊंगी उस चीज़ों को. तो इस वजह से मैं साइलेंट नहीं कर सकती हूँ. मगर नींद लेना मुझे मन था, बट आज देखती हूँ. और मेरे हस्बैंड का ऐसा जॉब भी है ना कि वो 12 बजे ही आते हैं, ऐसा जॉब नहीं बोलेंगे, अपना बिजनेस ही बोलेंगे, उनका खुद का बिजनेस है, तो वो किसी पे छोड़ के नहीं आ सकते. उनको सारा चीज बंद करके सब कुछ देख दाख के सब कुछ करके आना पड़ता है, जिसके लिए वो 12 बज ही जाता है. और अभी फेस्टिव सीजन आ गए हैं तो थोड़ा प्रेशर और बढ़ गया है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है. तो ये तो था मेरा स्टोरी, छोटा शॉर्ट में बता देती हूँ. मैं कोलकाता से हूँ, बेसिकली मैं कोलकाता से नहीं हूँ, आफ्टर मैरिज यहाँ शिफ्ट हुई हूँ. सो आपने ये नहीं सोचना है कि कोलकाता में बॉर्न है और इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रही है, क्योंकि मैं यहाँ जितने लोगों को जानती हूँ जो यहाँ के बॉर्न है उनकी तो हिंदी बहुत ही खराब है. मगर हाँ, बंगला अच्छा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है. मैं समझ लेती हूँ क्योंकि मेरे काम करने भी आती हैं, वो भी बंगला में ही टॉक करती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ हिंदी, थोड़ा बहुत बोल भी लेती हूँ. और उसके फ्रेंड्स भी बंगला में टॉक करते हैं उससे, तो मगर हाँ हिंदी वो मतलब यहाँ बहुत कम लोग बोलते हैं, तो बंगला मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा है. तो मेरा घर, मेरे मम्मी का घर जहाँ पे मैं हुई हूँ, रांची में है, झारखंड में. और मैं आ गई हूँ शादी के बाद वेस्ट बंगाल, बहुत का डिस्टेंस है. कैसे कब हुई मेरी शादी, किस कैसे कैसे, वो सारी चीजें मैं ब्लॉग में जरूर आपसे एक दिन शेयर करूंगी. पूरा ब्लॉग उसी पे बनाने वाली हूँ, अदर स्टेट में आके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, सारी चीजें शेयर करूंगी, तो वो वाला ब्लॉग मैं पर्सनली डालूंगी. सो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. अर्ज क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ. उसका होने वाला है एग्जाम्स एंड वो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता. एग्जाम नहीं बोलेंगे, टेस्ट है, बट हाँ कोई भी टेस्ट हो या एग्जाम हो मैं बहुत सीरियस लेती हूँ उसको, पढ़ाई के मामले में मैं ढील नहीं देती हूँ. चलिए दिखाती हूँ. तो अर्ज का है कल टेस्ट है ना. अर्ज का क्या है, कल का क्या टेस्ट है? थ्री लेटर साउंड. मैथ का है कि इंग्लिश का है? इंग्लिश. तो अर्ज तो देखिए स्टाइल पढ़ने का, मैं कितना भी बोलूंगी बैठ के पढ़ने वो ऐसे ही पढ़ देता है लटक करके. तो अभी वो इंग्लिश वर्क कर लिया है कंप्लीट एंड अभी कर रहा मैथ वर्क. नर्शु कल टेस्ट अच्छा जाएगा अर्ज? एक भी गलत नहीं ना होगा? तो अर्ज के बारे में बता देती हूँ कि भले ये कितना भी खेले कूदे बदमाशी करे पर पढ़ने में भी ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा होता है. मगर कल अगर खराब हुआ तो पिटाई भी होगा, क्योंकि आई है इसकी ननद, मेरी ननद की बेटी लोग आई है, तो इसकी सारी कजन आई है, तो वो पूरा प्लेइंग करने में एंजॉय करने में बिजी है ना अशु. मैं इसे जबरदस्ती आपका एप्पल इतना शाइनी कहाँ से है? मेरा एप्पल को देखकर इतना आपका नहीं, मेरा नहीं है, ये मोबाइल का एप्पल है. अगर आपका एप्पल
पल है, अगर वो आपको इतना देखकर एकदम अच्छा लग रहा था कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकी और खा ली आधा एप्पल। मैं आधा एप्पल खा ली मोबाइल वाला। चलो जल्दी से कंप्लीट कर। 24B। तो मैं बना रही हूँ रोस्टेड, आज ओवन में बनाने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड आज घर पे हैं तो उनके फुरमाइशी से मैं बना रही हूँ। एंड इसमें सारा मसाला वसाला मैंने मिला लिया है और इसको रख दूंगी फ्रिज में कम से कम एक घंटे के लिए। इसमें दही, मसाले, बटर सारी चीज़ें मैंने ये मिला ली है, ये आप देख सकते हैं। और एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद फिर मैं निकाल करके इसे बनाने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, साथ ही आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसे ओवन में सेकती हूँ, उसके बाद फिर कैसे ये रेडी होता है। तो ये तो मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट क्या है? मेरा तो ये बहुत, मुझे बहुत पसंद है सच्ची में ये रोस्टेड। और घर में जब से बनाना सीखी हूँ ना तब से मैं बहुत बार बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मसालों में मिला लिया है एंड इसमें एक चीज़ मैं फूड कलर मिलाऊंगी, थोड़ा इसका कलर और अच्छा हो जाए इस वजह से, तो फूड कलर मिलाना ज़रूरी है। गरम मसाले का पाउडर भी मैंने इसमें डाला है अर्शु, तो मैं फूड कलर अर्श को लाने के लिए बोली हूँ, वो थोड़ा इसमें डालूंगी। ये जितना मसालों में डीप रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्शु इसमें डालो, छोटू सा है, नहीं ये वाला दो ना, कलर दो ना, इसमें कलर डालेंगे हम लोग रोस्टेड में। देखो ऐसे नहीं खोलो, सीधा करके खोलो, गिर जाएगा। मेरे हाथ पकड़ ले मुझे, क्योंकि अभी आ गए फिर दिखाए। अर्शु जल्दी आइए, तो वो भाग गया है। ये मेरे ना, हाँ थोड़ा सा डालोगे मेरे, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, हाँ डालिए बस, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा हल्का सा और, हल्का सा और, हल्का सा और, हल्का सा, बस बस करो बस। हाँ हो गया, इसमें फूड कलर डालने से देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा। आप उसको यहीं किचन में रखिए, कहाँ लेके जा रहे हो फूड कलर को? देखो कलर चेंज हो गया ना, तो काटेंगे गूटा गूटा, ये काटेंगे थोड़ी, ये तो रोस्टेड बन रहा है ना, रोस्टेड बनाऊंगी। नहीं बना, हाँ छोटी छोटी, तो ये ओवन में बनेगा बेवकूफ। ये सोच रहा है चिकन बना दे बाबा, ये शाम में मैं हम लोग खाएंगे रोस्टेड। इसे मसालों में मिला के मैंने रख दिया है, अभी लगता है कि अभी लगते के बाद ठीक लगेगा खाने में, जब बाद में खाते एकदम ची ची मीठू को रेडी। तो इसके बाद मैंने सारे प्लेट्स में निकाल लिए, अब मैं इसे माइक्रोवेव में डालने वाली हूँ, इसको सेट करूँगी माइक्रोवेव में, सेट हो जाएगा। सेट करना भी एक झंझट का काम है, सेट हो गया शायद, हाँ। तो इसे माइक्रोवेव में मैंने रख दिया है, अब इसे मैं सेट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे 450 पे कितने मिनट के लिए करती हूँ, 10 मिनट के लिए करती हूँ। फटाफट से हम लोग रोस्टेड हो जाए, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरो। तो देख लीजिए, ओनली 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट बचा हुआ है और इसको काउंट कर रहे हैं, 1 मिनट के बाद रोस्टेड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ अनियंस कट करके रखे हैं, यहाँ पे मैंने लेमन्स और अनियन कट कर लिए हैं और अब हम लोग लेके चलेंगे। लेमन नहीं है, ये मेरे को कीवी लग रहा है। तुमको किस एंगल से कीवी लग रहा है? हमको तो थोड़ा देखने में से तो लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप इतना मोटा मोटा क्यों खाती है? जैसे कीवी काटते हैं, कीवी को भी तो ऐसे काटा जाता है ना। हमारा हो गया है, अब हो गया है, चलिए अब बंद करा जाए। ज्यादा टाइम आप ले कर ली, ये देखिए हमारा जो रोस्टेड है बिल्कुल हो चुका है।
ओके चलिए निकाले, इसको पकड़ो, उतरो उतरो, मेरे उतरने का कोई नहीं। ऐसे ठीक है ना? अपनी ड्रेस के अपने ही बैंड बजा दी। तो इसे सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे किससे? प्लेट। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स ले आती हूँ। चलो उधर जाओ, लेकर के मैं आ रही हूँ। यहाँ पे रहा, इसे चफाक से थोड़े थोड़े के डाल। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ओके। तो यहाँ पे एक छोटू सा अर्ज के लिए तो चलिए अर्ज रुक गया, वो पीछे का रास्ता देख। चलो, अरे भाई अभी हम फ्लिप कर जाते हैं। चलो तो हमारा रोस्टेड हो गया रेडी। इसे हॉट हॉट ही खाना होगा। पूरा सेकती है, और कितना सेकेंगे देख लीजिए, नहीं तो और कर देंगे। देख लीजिए एक बार, फटने लगा। अच्छा जाइए खा लीजिए, ईटिंग करिए। मेरे पास पेन है, ठीक है ना? तो बटर रहता है ना, तो तुम्हें ज्यादा ही अच्छा लगता है अंदर वाला। तो दादी को दे तो ले आ गया, बटर से ही होता है। हाँ बहुत अच्छा, अब ईटिंग करो, गरम गरम ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे लेमन लेमन से डाल दो ऊपर से, और अनियन हम नहीं जाएंगे। इसी में करिए, बोला साइड में थोड़ा प्लेट ला ना। अशु पकड़िए, मैं प्लेट लेके आती हूँ। दादी को दे देना ना। PEN SEAL पेंसिल नहीं, ये है पेन पेन ये डेट का कवर का एक चेंज कर। अभी चेंज करा कर लाए। तो अर्शू कैसा लग रहा है रोस्टेड, बताओ मुझे कैसा लगा होममेड रोस्टेड अर्शू? चलो मोबाइल छोड़ो और अभी खाओ, जल्दी खाओ, ठंडा जल्दी खाओ। उठो लो तुम्हारा छोटा वाला लेग, उठो जल्दी, उठो उठो ना अर्शू, जल्दी से खाओ, बहुत टेस्टी है। उठो, ठंडा जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, बोल रहे तो नहीं समझ आ रहा। हेलो सर, खान कहाँ गया? 5 मिनट बैठी, बहुत देर से। खान कहाँ, पहले वो तो ढूंढ लो। मीठू तुम्हें भी खाना है क्या? ये रहा दस्तरखान, छोटू वाला दस्तरखान नहीं दिख रहा है, कहीं नीचे ऊंचे तो नहीं कोई ले गया? छोटू सा था एक तो दस्तरखान, तो लीजिए तो इसको थोड़ा सा मोड़िए। तो दस्तरखान भी लेंगे, रांची जाएंगे तो लेंगे, तो ठीक है। मोबाइल दे दी, उसको होश नहीं है खाने का, लेकिन मोबाइल ठीक देखने का होश हो रहा है। आज सो के नहीं खाइए, उठिए तो उठिए, चलो लो ये वाला लो। बहुत टेस्टी, पैसा वसूल। टेस्टी अर्शु, बोलिए, खाने में बहुत बिजी है। आ गया, थोड़ा सा आ गया, चलिए।